खालिस्तानी जिसने पूरी दुनिया में गदर काटा, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर खालिस्तानियों ने हंगामा किया वो देश है कनाडा। कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ है जिसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ये वही ट्रूडो है जिन्हें खालिस्तानियों से सबसे ज्यादा हमदर्दी है। जब सब इस उम्मीद में बैठे थे कि कनाडा की सरकार गदर काट रहे खालिस्तानियों पर लगाम लगाएगी, नकेल कसेगी, कोई बड़ा एक्शन लेगी, तब ट्रूडो ने खालिस्तानियों के समर्थन में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। ट्रूडो ने खालिस्तानी चरमपंथियों की तरफ से हो रही हरकत पर कहा कि उनके देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है। खालिस्तानियों के दम पर राजनीति करने वाले जस्टिन ट्रूडो अब भारत आने वाले हैं। जरा सोचिए, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले खालिस्तानियों का जो रखवाला बना है वो भारत आने वाला है। जाहिर सी बात है, कुछ खेल हो सकता है। दरअसल भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिस्सा लेने वाले हैं। इस बात की पुष्टि जस्टिन ट्रूडो ने ही की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को शामिल न किए जाने पर निराशा जताई है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इसका वीडियो वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। जस्टिन ट्रूडो ने जेलेंस्की से बातचीत के दौरान कहा वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो यूक्रेन की समस्याओं को लेकर G20 के मंच पर बात करें। इसके अलावा ये कोशिश भी की जाएगी कि कैसे G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से अनुपस्थिति के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जानकारी दी थी कि 9 पर्यवेक्षक देशों को निमंत्रण मिलने के बावजूद यूक्रेन को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से टिप्पणी आई कि यूक्रेन की अनुपस्थिति के बावजूद उनके मुद्दे को वैश्विक मंच के जरिए साझा करने की कोशिश करेंगे। जेलेंस्की के प्रति ट्रूडो की प्रतिबद्धता इस बात का सबूत है कि इस साल की शुरुआत में जापान में G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को बुलाया गया था। वहीं रूस से साल 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से यूक्रेन को लगातार दुनिया के कई देशों से लगातार आर्थिक और सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ है, जिनमें अमेरिका भी एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। वहीं G20 के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने के बावजूद जेलेंस्की को अंतर्राष्ट्रीय पर लगातार सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में जिन 9 सुपरवाइजर देशों को न्योता दिया गया है उनमें नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया शामिल है। वहीं यूक्रेन को न्योता नहीं दिया गया है, इस पर ट्रूडो ने फोन पर जेलेंस्की से बातचीत के दौरान निराशा जाहिर की थी। जिन लोगों को नहीं पता कि G20 शिखर सम्मेलन है क्या, उन्हें बता दें कि G20 दुनिया की प्रमुख शक्तिशाली देशों का समूह है। इनमें कुल 20 देश शामिल है जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका शामिल है। ये समूह दुनिया की 85% घरेलू उत्पादन और इंटरनेशनल मार्केट की 75% पर अधिकार रखता है। हालांकि इस समूह का कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। पिछले साल 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने संभाली थी, जिसके बाद साल 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत को हासिल हुई है। इस समूह की स्थापना साल 1999 में हुई थी। इसमें ग्लोबल लेवल पर होने वाले इकोनॉमिक मुद्दों पर बातचीत होती है। अब अगर कनाडा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि खालिस्तानी प्रेमी ट्रूडो के यहाँ आने पर क्या कुछ बड़ा गेम हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। VK News, राष्ट्र के नाम।